गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास 11 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी, चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज। टुडे वी आर गोइंग विद द टॉपिक रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एंड देन NEFT एंड देन वी विल सी ई बैंकिंग एंड देन वी विल सी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज इन टुडेज वीडियो। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक RTGS। बिफोर स्टार्टिंग RTGS आई विल टेल यू दैट इन योर पेपर today whatever I am thought I am giving you an explanation till that point, till that point you will be having a question answer in papers. You have to write the question answers very well. So today I am going till the telecommunication services. One by one I will see all the points and let you explain in detail. Let's begin with the real-time gross settlement. What is real-time gross settlement? Real-time gross settlement is an online system of transferring fund from one place to another, one bank to another bank. On a real-time basis, it is considered as RTGS. पैसा बैंक टू बैंक ट्रांसफर करने को हम कहते हैं RTGS, और वो रियल टाइम में होता है और ग्रॉस बेसिस पे होता है, इसको कहते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर है, 7 पॉइंट्स है, वी विल सी वन बाय वन। फर्स्ट पॉइंट इज ऑपरेटेड बाय RBI। RTGS जो है वो मेंटेन्ड एंड ऑपरेट होता है RBI की गाइडलाइन से, और ये एक फास्टेस्ट फंड ट्रांसफरिंग मेथड है RTGS। इसका सेटलमेंट कैसे होता है? इसका सेटलमेंट कंटिन्यूस रियल टाइम फंड ट्रांसफरिंग में होता है, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में विथ नेट प्रोसेस आप पहुंचाते हो। ये फंड सेटलमेंट जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नज़र में होता है। मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट स्टिपुलेशन, यहाँ पे आप मैक्सिमम अमाउंट 2 लाख रुपए तक आप RTGS कर सकते हो। मिनिमम RTGS 2 लाख रुपए कर सकते हो और मैक्सिमम 5 लाख रुपीस। यहाँ पे 5 लाख रुपीस मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन 5 लाख रुपीस आप मैक्सिमम अमाउंट स्टिपुलेट कर सकते हो। अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं या कुछ आपको इंक्वायरी करनी हो तो आप एज एन कस्टमर क्या कर सकते हो? एज एन कस्टमर आप RBI बैंक या बैंक को आप RTGS रेमेडीज के थ्रू आप अपना अमाउंट डिक्लेयर बता सकते हो, किसको देना चाहते हो वो बता सकते हो, कौन ये बैंक अकाउंट होल्ड कर रहा है, कौन बेनिफिशियरी, कौन कस्टमर है, IFS क्या है, ये सब आप बता रहे हो। तो इससे आपका RTGS सिस्टम जो है बहुत स्मूथली रन करता है। अब IFS का फुल फॉर्म क्या है वो भी ध्यान से देख लेना, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। फिर बाद में आता है टाइम इन्वॉल्वमेंट। टाइम इन्वॉल्वमेंट 2 घंटे लगते हैं एक एंड से दूसरे एंड में मनी ट्रांसफर करने के लिए, और जितना सर्वे आपका इजी होगा या सर्वे है या जो आप ऐसा कर सकते हैं सर्वर जो है वो एकदम अगर ईज है तो बहुत ही जल्दी ट्रांसफर हो जाता है, बट बैंक के लिए मिनिमम 2 आवर्स लगते हैं वन एंड टू अनदर फंड ट्रांसफर करने के लिए। एक्नॉलेजमेंट रिसीव क्या होता है? आपको मैसेज मिलता है RBI के थ्रू, या फिर बैंक जिसे जिस बैंक से आप मनी ट्रांसफर कर रहे हो आपको मैसेज भेजता है, ठीक है। अब सर्विस चार्ज क्या लगता है? अगर आपने 2 लाख रुपए के ऊपर का ट्रांजेक्शन किया है और 5 लाख के नीचे का, तो आपको 30 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं, और अगर आपको मोर देन 5 लाख रुपीज के ऊपर का ट्रांजेक्शन करना है तो 55 रुपीज आपको पर ट्रांजेक्शन के लिए पे करना पड़ता है। ये है RTGS। RTGS नॉर्मली नॉन नेट बैंकिंग जैसा होता है जो हम लोग आज करते हैं। नेक्स्ट इज निफ्टी। निफ्टी जो है वो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है। ये भी एक तरह का मोड है जो ऑनलाइन सिस्टम होता है, ये भी वन बैंक टू अनदर बैंक ट्रांसफर करने के लिए हेल्पफुल है। तो इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो पहला है नेट सेटलमेंट बेसिस, ये नॉर्मली सेम एज इट इज RTGS जैसा ही होता है, लेकिन RTGS थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि वहाँ पे ग्रॉस सेटलमेंट होती है और यहाँ पे नेट सेटलमेंट होता है, इसलिए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के अंदर कहा जाता है नेट सेटलमेंट, वेरस RTGS के अंदर कहा जाता है ग्रॉस सेटलमेंट। अब इंफॉर्मेशन फर्निश की जब बात करते हैं तो निफ्टी के अंदर आपको अपने बैंक अकाउंट के बारे में बताना है, रिसीवर का नाम बताना है, आपका बैंक अकाउंट टाइप क्या है, आपकी सिटी कहाँ है, आपका बैंक नेम क्या है, बैंक ब्रांचेस कहाँ पर है, आपने अमाउंट कैसे ट्रांसफ़र किया, कौन से मोड में ट्रांसफ़र किया, बेनिफिशियर का अकाउंट होल्डिंग नंबर क्या है, उसका नाम क्या है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। यहाँ पे कोई मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती,
निफ्टी के अंदर आप कोई भी नंबर का आप अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कंपलसरी आईएफएससी कोड चाहिए, आईएफएससी कोड जरूरी है। यहाँ पर 11 नंबर का डिजिट होता है। यहाँ पे टाइम इन्वॉल्वमेंट कितना होता है, 2 डेज, सेम डे प्लस 2 डेज, तो वर्किंग डे होना जरूरी है। 2 दिन लगते हैं, आज का दिन और प्लस 2 दिन और ऐड करोगे तो 3 दिन टोटल लगते हैं एनईएफटी को पूरा सेटल होने में। एनईएफटी 18,500 बैंकिंग ब्रांचेस के अंदर वर्क ऑन हो रहा है। निफ्टी फैसिलिटीज 18,000 प्लस बैंक ब्रांचेस के अंदर अवेलेबल है। तो ये है निफ्टी। होप सो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा आ गया होगा आरटीजीएस क्या है और एनईएफटी क्या है। अब हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि ये बैंक ओवरड्राफ्ट टॉपिक मैंने ख़त्म किया था। बैंक ओवरड्राफ्ट ऐसा होता है कि करंट अकाउंट होल्डर एक्स्ट्रा अमाउंट यूज़ करता है और फिर बाद में वो इंटरेस्ट के साथ में चुका भी देता है। कैश क्रेडिट क्या है, आपके पास जो भी असेट्स है उसको बेच के तुरंत क्रेडिट लेना, ये है कैश क्रेडिट। नेक्स्ट पार्ट इज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और ई बैंकिंग। ई बैंकिंग या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आज के लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि आज हर कोई ट्रांजैक्शन मोबाइल से करता है, बैंकिंग से करता है, ऑटो टेलर मशीन से पैसा निकाल लेता है, तो ये सब बहुत इजी हो गया, इसलिए हम लोग कहते हैं ई बैंकिंग। द ग्रोथ ऑफ एन इंटरनेट एंड ई कॉमर्स हैज रिजल्ट इन ई बैंकिंग। आज के इसमें ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा हो गया है, फ्लिपकार्ट आ गया है, अमेजोन हो गया है, तो इनकी ग्रोथ की वजह से, इंटरनेट की वजह से ई बैंकिंग की भी डिमांड ज़्यादा होने लगी। ई बैंकिंग क्या है, ई बैंकिंग एक ऐसी सर्विस है जो बैंक प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को, कस्टमर्स को अलाउ करते हैं कि वो बैंक ट्रांजैक्शन बैंक में आए बगैर ही कर सकते हैं, घर पे, पर्सनल फ़ोन पे, पर्सनल कंप्यूटर पे, टेलीकॉम सेक्टर से आप ईजली मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। ई बैंकिंग के रेंजेस क्या है, रेंजेस 5 रेंजेस यहाँ पर दिए हैं मैंने, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र EFT, ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM, पॉइंट ऑफ सेल POS, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज EDI, क्रेडिट कार्ड्स, ये सब को हम लोग वन बाय वन देखेंगे। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन एक कंप्यूटर मशीन होता है जिसके अंदर कस्टमर के सारे डिटेल होते हैं बैंक रिलेटेड। आपको एक मैग्नेटिक कार्ड, मैग्नेटिक प्लास्टिक कार्ड एंटर करना होता है, उसके अंदर एक कोड होता है, वो कोड क्रैक होता है, फिर उसके ऊपर आप पासवर्ड डालते हो, पिन नंबर PIN, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर आप डालते हो, फिर बाद में आप अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। आजकल तो डिपॉजिट की भी फैसिलिटीज़ आ गई हैं, तो ये सब फैसिलिटीज़ ATM से पॉसिबल है। इसको हम लोग स्वाइप कार्ड भी कहते हैं नॉर्मली। कस्टमर स्वाइप कार्ड डाले बगैर पैसा निकाल सकता है, आज के इसमें कैशलेस ट्रांजैक्शन होता है। ATM के थ्रू आप विड्रॉ कर सकते हो, कैश डिपॉजिट कर सकते हो, बिल्स पे कर सकते हो, बैंक स्टेटमेंट चेक कर सकते हो, कैश ट्रांसफ़र कर सकते हो। ATM जो है 24/7 सब जगह अवेलेबल है। ATM को हम लोग ऑटोमेटेड बैंकिंग मशीन भी कह सकते हैं, ऑटोमेटिक टेल मशीन कह सकते हैं, रिमोट सर्विस यूनिट भी कह सकते हैं ATM को। नेक्स्ट है डेबिट कार्ड। जब हम लोग डेबिट कार्ड की बात करते हैं तो डेबिट कार्ड आपके लिए एक कार्ड है, प्लास्टिक कार्ड है, जिसमें ऑलरेडी आपके अकाउंट में जितना अमाउंट है उतना ही अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो, उसको कहते हैं डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड इज एन इलेक्ट्रॉनिक कार्ड इश्यूड बाय द बैंक विच अलाउज अ बैंक क्लाइंट एक्सेस टू हिज अकाउंट विदड्रॉइंग कैश और पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 20,000 रुपये है और आपके पास डेबिट कार्ड है, तो आप 20,000 रुपये तक की ही बिजनेस कर सकते हो, या परचेज कर सकते हो, या सेल कर सकते हो। 20,000 रुपये ही इस्तेमाल कर सकते हो डेबिट कार्ड में, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। 20,000 रुपये जितना ही आप मनी विड्रॉ कर सकते हो। आज क्या हो गया, आज कोई भी ATM में जाके आप मनी इजली रिसीव कर सकते हो। नहीं तो पहले क्या था, पहले आपको जिस बैंक का कार्ड है उसी बैंक के ATM में जाके मनी विड्रॉ करनी पड़ती थी, तो वो फैसिलिटी अब ख़त्म हो गई है। आप कोई भी बैंक में जाके आप अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे आज की अगर हम लोग बात करते हैं तो आज ऐसा हो गया कि अब विड्रॉवल जो है वो लिमिटेड अमाउंट तक हो गया है। अब आप मोर देन लिमिट के बाहर आप विड्रॉ नहीं कर सकते। डेबिट कार्ड से आप 4 या 5 ही बार अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो, वो भी 10,000 ईच टाइम,
और बैंक टू बैंक वेरी होता है अमाउंट कितना विड्रॉ करना है। कुछ बैंक 25,000 बोलते हैं, कुछ बैंक कहते हैं कि 10,000, कुछ बैंक कहते हैं कि कुछ 7,000 8,000, डिपेंडिंग ऑन द बैंक हाउ मच यू विड्रॉ। नेक्स्ट पार्ट इज क्रेडिट कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड क्या है? क्रेडिट कार्ड एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इशू करता है। यहाँ पे हम लोग क्रेडिट कार्ड के थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस कर सकते हैं ऑन क्रेडिट बेसिस। यहाँ पे मिनिमम अमाउंट होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप मैक्सिमम अमाउंट तक या लिमिटेड क्रेडिट तक आप परचेज एंड सेल्स कर सकते हैं। और फिर विद इन 21 डेज आपको रिटर्न बैक को पनमनी करना होता है बैंक को अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के पास मिनिमम बैलेंस या मैक्सिमम बैलेंस होना जरूरी है मंथली। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आज के इसमें 20,000 रुपीज सैलरी आपकी होनी चाहिए, तब जाके आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। और जो भी आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हो उस क्रेडिट के लिए आपको इंटरेस्ट पे करना जरूरी है। नेक्स्ट पार्ट इज इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग आजकल बहुत कॉमन हो गया है फॉर सेलिंग एंड परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। इंटरनेट बैंकिंग रेफर्स टू मेक बैंकिंग ट्रांजैक्शन डायरेक्टली विद द बैंक थ्रू द इंटरनेट। आज कुछ भी परचेज करना हो या मनी ट्रांसफर करना हो तो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू इजली हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, आपको कस्टमर यूजर आईडी जरूरी है, बैंक अकाउंट नंबर जरूरी है, लॉगिन पासवर्ड आपके पास होना चाहिए, ट्रांजैक्शन पासवर्ड होना चाहिए और पीसी होना जरूरी है, तब जाके आप इंटरनेट बैंकिंग कर सकते हो। इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप ऑनलाइन बैंकिंग, आप बोल सकते हैं कि ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हो या वेब बैंकिंग कर रहे हो। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आज के इसमें लोग सेफ मानते हैं और सेफ भी है, क्योंकि यहाँ पे पासवर्ड जो है वो आज के इसमें जब भी आप लॉगिन करते हो तो नया पासवर्ड आता है, वो जब तक आप एंटर नहीं करोगे तब तक अंदर जा नहीं सकते। सिक्योरिटी बहुत हाई हो गई है, नहीं तो अगर इसको हम लोग 5-6 साल पहले बात करते तो ये हैकिंग के एक तरीका भी था, लोग मनी यहाँ से चोरी कर सकते थे, लेकिन अब नहीं कर सकते। अब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है रूल्स एंड रेगुलेशन। नेक्स्ट इज मोबाइल बैंकिंग। आज के इसमें कॉमन पेटीएम, बेटर एग्जाम्पल पेटीएम, UPI, फोन पे, गूगल पे, दिस आर द सोर्सेज फ्रॉम वेयर यू शेयर योर मनी, परचेज गुड्स, सेल्स गुड्स, रिसीव मनी, सेंड मनी हैज बीन डन बाय मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग जो है वो कस्टमर के लिए एक इजी डिवाइस मेथड हो गया। इससे आप बिल पे कर सकते हो, हम अकाउंट चेक कर सकते हो, बैलेंस चेक कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, फंड्स इजली हो जाता है। और यहाँ पे आपको कोई बार बार नंबर चेंज करने की जरूरत भी नहीं है, आपने एक बार डिटेल सेव किया मोबाइल के अंदर, मोबाइल सेव हो गया। यहाँ पे 24/7 आप इस सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ बेनिफिट्स हैं कस्टमर्स के लिए भी और बैंक के लिए भी, तो वो भी हम लोग 1x1 देखते हैं। तो ई बैंकिंग के फायदे क्या हैं कस्टमर के लिए? कस्टमर 24/7 365 डेज से सर्विस अप्लाई कर सकता है, यूज कर सकता है। कस्टमर अपनी कोई भी जगह से एक्सेस कर सकता है, यहाँ पे बैंक आपको इंटरफेयर नहीं करेगा। इवन जो आप ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं तो भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। यहाँ पर एक फाइनेंशियल रिकॉर्ड होता है, आपने कौन सा ट्रांजैक्शन कब किया, कैसे किया, वो सब कुछ रिकॉर्ड होता है और आप उसको जब भी देखना चाहो तब देख सकते हो। उसके बाद में आप यहाँ पे बैंकिंग एक्सेस इजली कर सकते हो, बार बार आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। आपने मोबाइल निकाला, देख लिया, कस्टमर सेटिस्फाइड, यहाँ पे लेस रिस्क होता है, बार बार आपका टाइम ज़्यादा एक्सपेंड नहीं होता, आप तुरंत हर चीज़ चेक कर सकते हो। और बैंक के लिए क्या बेनिफिट है? बैंक एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेके कॉम्पिटिशन में उतरता है, उसके पास जो बर्डन है वो कम हो जाता है। ई बैंकिंग के थ्रू कस्टमर्स की लोड जो है वो कम हो जाती है। नेटवर्क बैंकिंग जो है वो लिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड है, हर कोई उसको चेक कर सकता है। उसके बाद में आपके पास सिर्फ यूजर आईडी पासवर्ड होना जरूरी है। एंड नंबर ऑफ पीपल कैन चेक आउट देयर डिटेल विद यूजर आईडी एंड पासवर्ड। नेटवर्क बैंक का बहुत यूज है, आपके पास नॉर्मली आईडी एंड पासवर्ड होना जरूरी है। और ब्रांचेस कहाँ पर है, कैसे है, कौन से लोकेशन में है, कहाँ पर है, ये सब कुछ आप चेक कर सकते हो बैंकिंग बेनिफिट्स के बेस पर। सो हमने अभी RTGS देखा, NEFT देखा और ई बैंकिंग के कुछ 5 पॉइंट्स हमने देखे।
अब हम लोग देखते हैं टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। अब टेलीकॉम कम्युनिकेशन सर्विसेज क्या है और टाइप क्या है वो देखते हैं। टेलीकॉम सर्विसेज नॉर्मली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम लोग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। ये एक तो फास्ट एंड चीप रिलायबल कम्युनिकेशन है और इसके वजह से बिजनेस बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क ऑन होता है। तो हम लोग यहाँ पे 6 पॉइंट्स देख रहे हैं वन बाय वन। पहला पॉइंट है सेल्युलर मोबाइल सर्विसेज। लाइक आप कम्युनिकेशन कर सकते हो वॉइस एंड नॉन वॉइस मैसेज से, डेटा सर्विसेज यूज कर सकते हो, PCUs का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग ह्यूज नेटवर्क को कवर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सिम प्रोवाइडर्स लाइक एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, जियो, रिलायंस एक्सेट्रा। फिर एक और एक पॉइंट आता है रेडियो पेजरिंग सर्विसेज। रेडियो पेजिंग सर्विसेज जो है वो वन वे कम्युनिकेशन है। आपने मैसेज भेजा, सामने वाले को मैसेज रिसीव हो गया, दैट्स इट। वो रिटर्न बैक अगर करना चाहे तो वो आपको करेगा जरूर, लेकिन उसको चार्जेस लगेंगे। वन वे कम्युनिकेशन। तो ये पेजर जो है रजिस्टर्ड होता है, इसको आपको पेजर सर्विस इसको आपको रजिस्टर करना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज फिक्स लाइन सर्विसेज। फिक्स लाइन सर्विसेज के अंदर आप लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कर सकते हो। यहाँ पे आप कॉल पे बात कर सकते हो, आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं या फिर जितना भी आपको बिजनेस करना है उस सब में आपको फिक्स लाइन सर्विसेज हेल्प करता है। यहाँ पे आप इंटरनेट डेटा सर्विसेज यूज कर सकते हो, वॉइस एंड इन वॉइस मैसेजेस आप पहुँचा सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैफिक को आप हैंडल कर सकते हो। नेक्स्ट इज केबल सर्विसेज। केबल सर्विसेज नॉर्मली एंटरटेनमेंट के लिए यूज किया जाता है। आपके घर में केबल है, उस केबल को आप टू वे कम्युनिकेशन में भी ले सकते हो। आप केबल के थ्रू चैनल्स को यूज कर सकते हो, चैनल यूज कर सकते हो, टीवी देख सकते हो, तो ये सब केबल से हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 5, वेरी स्मॉल एपिटेंट टर्मिनेशन टर्मिनल सर्विसेज। वेस्ट जो है वो टू वे सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, जैसे ब्रॉडबैंड डेटा। ब्रॉडबैंड डेटा क्या होता है, वाईफाई की बात करते हैं हम लोग। आज के समय वाईफाई जो यूज होता है वो वायरलेस भी होता है, वायर वाला भी होता है। वायरलेस में क्या होता है कि वायरलेस में घर के ऊपर एक एंटीना लगाया जाता है, उस एंटीना के आगे एक छोटा सा डिश होता है, वो डिश एक सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है, तभी जाके आपको इंटरनेट आपके घर में मिलता है। वायर वाला जो होता है वो वायर वाले के लिए आपको केबल प्रोवाइडर से बात करनी पड़ेगी या सर्विस प्रोवाइडर से बात करनी पड़ेगी, वो भी एक तरह का सैटेलाइट से ही आपको कनेक्शन पहुंचाता है। नेक्स्ट इज D2H, डायरेक्ट टू होम सर्विसेज। D2H सर्विसेज, डिश टीवी का एग्जांपल ले लो, वीडियो कॉल डिश टीवी का एग्जांपल ले लो, ये सैटेलाइट बेसिस पे आपको टेलीविजन कम्युनिकेशन पहुंचाते हैं। ये चैनल होता है, चैनल प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी होती है और कस्टमर नेटवर्क सर्विसेज के थ्रू यहाँ पे हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हमें कुछ भी टीवी पे देखना है तो डिश टीवी से हम लोग देख सकते हैं। दिस इज द टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज वी हैव सीन टाइप्स एंड टिल हियर द डिटेल विच आई हैव डिस्कस टू यू इज इन द एग्जाम फॉर दिस टाइम टिल मिड टर्म एग्जाम्स। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल गो विद द इंश्योरेंस पार्ट इन डिटेल वन बाय वन एंड इट विल बी टेकन इन पोस्ट मिड टर्म एग्जाम्स। That's it for today. Thank you.